साल 1976 में एप्पल कंपनी शुरू होने के दो साल पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स उनके एक दोस्त के साथ इंडिया आए थे नियम करोली बाबा से मिलने। दरअसल स्टीव जॉब्स काफ़ी समय से इंडिया आना चाहते थे हिंदुइज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए, और यहाँ आने के बाद उन्हें एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जिनके पास अनोखी शक्तियाँ हैं, जैसे कि एक ही समय पर एक से अधिक जगहों पर मौजूद होना या फिर एक उंगली से छूकर किसी को भी एक ट्रांस स्टेट में भेज देना, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के साथ किया था, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद पूरी तरीके से एक अलग इंसान बन चुके थे। और बाबा के बारे में इन सब चीज़ों को जानने के बाद स्टीव जॉब्स भी डिसाइड करते हैं कि वो भी नियम करोली बाबा से मिलेंगे, क्योंकि वो वक्त स्टीव जॉब्स के लिए कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए 1974 में स्टीव जॉब्स अपने एक हालों के लिए नियम करोली बाबा के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने स्टीव जॉब्स के लिए पहले कभी सुना नहीं होगा, जिसकी क्योंकि उन्हें हनुमान जी का अवतार दिया था, कैसे वो एक बार एक ही वक्त पे दो शेडो में दिखाई दिए थे, और एक मंत्रा जो वो अपने हर एक करीबी शिष्यों को देते थे ताकि उनके जिंदगी में भी अच्छे वक्त की शुरुआत हो सके। नियम करोली बाबा अपने शुरुआती दिनों में लगभग कई साल हनुमान जी की तपस्या किया करते थे, जिसके वजह से उन्हें हनुमान जी से कई सारे सिद्धियां प्राप्त हुए। वो एक ऐसे बाबा थे जिनसे आप ना मिलके भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनके भक्तों का ये कहना है कि जो लोग अपने अंदर उनसे एक डीप कनेक्शन बना लेते हैं वो उन सब की मदद करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसके बाद से लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसे एक बार नीम करोली बाबा को उनके भक्तों ने एक ही वक्त पर दो जगहों में एक साथ दिखाई दिए थे। जैसे कि मैंने बताया था कि कई सालों तक कुछ चीज़ों को लगातार करने पर आपके शरीर में कई सारे मैजिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आपका शरीर कई सारे पावर्स विकास करना शुरू कर दे। जब कानपुर में एक नए हनुमान मंदिर का कंस्ट्रक्शन बस कंप्लीट ही हुआ था तो उसके ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी में बाबा जी को वहां पर बुलाया था, लेकिन क्योंकि बाबा उस वक्त इलाहाबाद में थे इसलिए उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी की सुबह थी और बाबा जी सुबह उठने के कुछ देर बाद ही कहा कि उनकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही और उन्हें शायद नहीं जाना चाहिए, और फिर वो इलाहाबाद में ही अपने कमरे में जाकर सो गए। उसके अगले दिन उनके भक्त जब कानपुर से इलाहाबाद लौटे तब उन्होंने कहा कि सेरेमनी बहुत ही अच्छे से हुई और बाबा जी खास वहां पर आए थे, इसलिए बाकी सबको भी वे बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी के पूरे दिन बाबा अपने इलाहाबाद वाले कमरे में ही बंद थे, और अगर वो वहां से आने की कोशिश भी करते फिर भी उनको 10 घंटे बस आने और जाने में लग जाते। और उनके भक्तों ने यह भी कहा कि बाबा 7 बजे से लेकर 12 बजे तक वहीं पर थे, मतलब करीब 5 घंटे वो उस सेरेमनी में ही थे। अब अगली कहानी से आपको पता चलेगा कि क्यों लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसके बाद से लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे। दरअसल एक बार बाबा जी अपने आश्रम में बैठे थे, तभी उन्होंने अपने एक शिष्य से रामायण का एक वर्स पढ़ने को कहा। उनके कहने पर उनके शिष्य ने रामायण से अशोक वाटिका वाला वर्स पढ़ना शुरू ही किया था। तभी नीम करोली बाबा वो पूरा सीन ऐसे बताने लगे जैसे वो खुद त्रेता युग में अशोक वाटिका पढ़ गए थे और उन्होंने वो सब कुछ अपने यहाँ देखा हुआ है। वो पूरे डिटेल्स में एक के बाद एक सीन बता दे गए और फिर वो बोलते बोलते ही रो पड़े, जिसके बाद से उन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानने लगे। नियम करोली बाबा का फिलॉसफी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, जिसके वजह से स्टीव जॉब्स जैसे कई सारे लोगों की जिंदगी उनसे मिलने के बाद पूरी तरीके से बदल गई थी। वो अपने हर शिष्यों को हमेशा राम का नाम जपने को कहते थे और कहते थे कि इससे उनके जिंदगी में बदलाव आएगी। उनके पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने 2 में आश्रम बनाया, एक वृंदावन में और दूसरा कैची धाम।